नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं तान्या। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए तंज कसे। राहुल गांधी की इस बयानबाजी का जवाब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी का कहना है कि प्रधानमंत्री पर उनका तंज कसना कोई नया नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की निंदा करना कितना उचित और अनुचित है। शायद देश की राजनीति में ये पहला अवसर होगा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तंज कसा। शायद वो भूल गए थे कि 2012 में कांग्रेस की कमान उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों में थी। इस बात का उल्लेख करना कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एरोगेंट हो गई एंड हेंस लॉस्ट द इलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कन्फेशन है राहुल गांधी जी के माध्यम से। तमिलनाडु में AIADMK ने आज एक प्रस्ताव पास कर VK शशिकला को न केवल जनरल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त किया बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव पनीर सेल्वम और पलनी सामी धड़े की ओर से बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक में पास किया गया है। गुरुग्राम में हुए प्रद्युमन हत्याकांड मामले पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में रियान पिंटो, उनके माता पिता ग्रेस पिंटो और ऑगस्टाइन पिंटो को बॉम्बे हाई कोर्ट से कल तक राहत मिल गई है। दरअसल कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने पिंटो परिवार की याचिका के खिलाफ तैयारी के लिए एक दिन का वक्त मांगा था, इसलिए अब अगली सुनवाई बुधवार यानी कल होगी। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पटियाला के त्रिपड़ी थाने में तैनात एक ASI को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। ASI जागीर सिंह को शिकायतकर्ता राहुल कुमार निवासी मानकपुर लुधियाना की शिकायत पर काबू किया गया है, जिसका आरोप है कि ASI ने उससे एक मामले में जब्त गाड़ी को रिलीज करने के बदले 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसका सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ था। विजिलेंस ने शिकायत की पड़ताल उपरांत उक्त दोषी थानेदार को 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। हमीरपुर में पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष कर्नल VC लगवाल के चालक रमेश चंद पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। चाकू के प्रहार से रमेश चंद घायल हुए हैं। बता दें कि चालक रमेश चंद सुबह अपनी गाड़ी कार्यालय के अंदर लगाने लगे तो नादौन से हमीरपुर की ओर आ रहे टैक्सी चालक से उनका झगड़ा हो गया, जिस दौरान टैक्सी चालक ने रमेश चंद पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ मैंने जैसे शाम को उतारने के बाद मैंने दोनों तरफ देखा, गाड़ी टर्न कर ली, गाड़ी सामने पार ले गया थी। जैसे मैं गाड़ी पीछे लाने लगा तो वहाँ से टैक्सी नंबर थी मैंने HP 01 10 का दूसरे ने बताया, दूसरे साथ में बुला के लगा दी। मैंने उसको बोला भैया का टैक्सी थोड़ा पीछे ले लो आप। उसने बोला रोड पे क्यों लाया, तो क्यों मोड़ रहा है इधर गाड़ी। मैंने बोला यहाँ जगह नहीं थी मोड़ने, ऐसे आपसे आप मैं तू हो गई। तो नीचे उतर आया, उसने गले से पकड़ लिया। फिर उसके बाद एक दो गाड़ियाँ और थी और 2-3 वो भी उसके टैक्सी ड्राइवर थे, वो भी आकर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं अकेला था। फिर मैं जैसे इस तरफ को ऐसे मुड़ा, उसने पीछे से मेरे को यहाँ चाकू मारना शुरू, दूसरे लड़के ने बोला तेरे को चाकू मारना, और मैं जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा और ऐसे मैंने बाजू करके वो चाकू रोक लिया और मेरे को यहाँ लगा था। खतरनाक ब्लू व्हेल गेम एक 15 वर्षीय बच्चे को निगल जाती अगर उसके परिजनों को समय रहते इसकी जानकारी ना मिलती। मामला अमृतसर का है, जहां 10वीं कक्षा का बच्चा ब्लू व्हेल के सभी जानलेवा टास्क पूरे करते हुए आखिरी टास्क पर पहुंच चुका था। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्चे को स्कूल भेजते समय माँ की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े कट लगे हुए थे। फिलहाल बच्चे को मनोरोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया और डॉक्टरों द्वारा बच्चे को ब्लू व्हेल गेम के तलसम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास ये जो केसेस आए हैं, जो ब्लू व्हेल जो इनके केसेस आए हैं, दीज केसेस दे आर यूजुअली फ्रॉम अपर से मिडिल क्लास ग्रुप्स, तो वहाँ से जो इन लोगों को ब्लू व्हेल और उसके बारे में जब पता लगा है, तो व्हाट दीज पीपल दे डू इज दे इनकी इंक्रीजिंग जो डिफिकल्टीज की जो लिस्ट है, दैट दे दीज चिल्ड्रन दे वेक अप एट नाइट्स, इनकी जो एकेडमिक इनकी जो
एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी फॉल कर रही हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस फॉल कर रही है, ये जो बच्चे हैं दे आर इंडल्जिंग इन द एक्टिविटीज़ विच आर डन बाय ब्लू व्हेल, यूजुअली दे डू इट एट नाइट टाइम, रात को 2 बजे जागना, रात को 1 बजे जागना, टास्क ऐसे होते हैं। अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले व्यापार में अहम भूमिका निभाने वाले कुली हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर गए इन कुलियों की मांग है कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी सुनवाई नहीं की। वहीं दूसरी ओर इस हड़ताल के कारण व्यापारियों को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम साड़ी मेन इत्थे आ वी जेकर लेबर 80 किलो दी छुहारे दी बोरी चुकन दी जाना साडा जेड़ा पैसा हक बनदा उह दित्ता जावे सानू, ते एक दूजे नंबर ते वी साडे जेड़े व्यापारी जेड़े घट बंद पै करन दे च सहमत आ, कुछ 2 व्यापारी आ सहगल आ ते राजदीप आ ते उहदे विच कस्टम डीसी दा रोल आ, जिहड़े मेन जिहड़े लेबर दे हक दे विच नहीं बोलन दे, लेबर तो परां हो के चल रहे ने ते लेबर नूं चंगा नहीं गिण रहे। कल भी लेबर ने काम चलाया वा ते लेबर नूं सिर्फ ये आ भी डीसी दा विच कोई रोल नहीं होंदा, जिहड़ा व्यापारी लेबर नाल सहमत होंदा लिखती कार्रवाई दे विच करी जांदा भी हाँ मैं तुहाडे नाल सहमत आ, मैं तुहानूं जिहड़ा पैसा बनदा दे रहा वा, ते उहदे विच डीसी नूं इनकारी होंदी आ, डीसी दी पुछगिछ नहीं हो रही ते डीसी इसे करके इनकारी करके लेबर दी एंट्री बंद कीती ते हुण काम बंद करा के बैठा है। पुंछ जिले की मेंढर तहसील कस्बे में आज स्कूली छात्राओं द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जिस दौरान उन्होंने बर्मा में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। बर्मा में जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हो रहा है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए छात्रों ने मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार आगे आए और उस मुल्क पर दबाव बनाकर बेकसूर लोगों को बचाएं। कि बर्मा में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है, कोई पेचीदा बात नहीं है, और वहाँ पर लोगों को ज़बह किया जा रहा है, बच्चों को ज़बह करके वो पका के खा रहे हैं, तो ऐसा जुल्म मेरे ख्याल में ऐसी दहशतगर्दी किसी मुल्क में नहीं है। वहाँ पर इंसानियत का ऐसा कत्ल हो रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है दुनिया में। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये ब्रिक्स की मीटिंग से उठे और सीधे बर्मा चलेगी, वहाँ इनकी बात हांग सांग चूची के साथ हुई है, तो हमें बहुत ही इस चीज़ का गुस्सा है कि उन्होंने ये खुल के बात क्यों नहीं की कि भाई आप ये दहशतगर्दी जो कर रहे हो इससे बढ़ के दहशतगर्दी कोई नहीं है किसी जहान में, इस पे रोक लगाओ, इस पे रोक लगाओ और इसको बंद करो। जुल्म सुतम जो है हमसे नहीं देखा जाता है, जो भी देखता है मैं तो कहता हूँ कि मैंने जिस दिन देखा तो मैं खुदा की कसम मैं रात को नहीं सो सका, जिस वक्त यानी थोड़ी सी नींद आई तो फिर वही सामने सीन आता है, तो फिर हमें रात भर वो नींद ही नहीं आती है। तो बाकी के लोग जो हैं उनमें भी तो ऐसा ही है ना, देखे ना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा यही अर्ज है। लोग जो बर्मा में जो इनोसेंट्स किलिंग हो रही है ये जो पूरे मतलब दुनिया के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए। हमारा इनिशिएटिव यही था कि अब जो बर्मा के अंदर किलिंग से चाहे रोहिंग्याज हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, ये जो इंसानियत की किलिंग है ये नहीं होनी चाहिए। जो भी वहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं माना कि वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें जो है यूएनओ को मिलकर सारी दुनिया को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। ये इंसानियत का मसला और इसी इंसानियत के मसले पे हम इंसान होने के नाते इस प्रोटेस्ट में आए। पटियाला की नाभा भाखड़ा नहर में कूदकर 18 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। गोताखोरों द्वारा मौके पर युवती को बचाने की कोशिश भी की गई लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजेंद्रा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और लड़की की पहचान के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। फिरोजपुर में आज सारागढ़ी के शहीदों की याद में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। समागम में ब्रिटेन से आए सैन्य अफसरों, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सहित इलाके की स्मूथ लीडरशिप ने विशेष रूप से शिरकत कर सारागढ़ी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।